पिछले 12 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से कृषि कानून को ख़त्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा दिल्ली सीमा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ किसानों से मिलने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी किसानों को आश्वासन देते हुए दिखे। अरविंद केजरीवाल ने किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों की सेवादार है। उन्होंने कहा, किसानों का मुद्दा और उनकी मांग जायज है, मैं और मेरी पूरी पार्टी उनके साथ खड़े हैं। हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फ़ोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूँ इससे आंदोलन को मदद नहीं मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे सक्सेना जी गाड़ी यही मंगा लो, यही बैठा के निकाल लेंगे। हमारे मंत्रीगण, मैं गाड़ी उसी साइड में जाना पड़ेगा ना, सेवादार की तरह। ये सीधा रास्ता है यहाँ, सीधा दिल्ली जाएगा ये। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, सेवादार के तौर पे, सेवा करने के लिए आया, किसानों की सेवा करने के लिए आया। भारत माता की जय। हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे हैं अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी। सर, कुछ किसानों से आपने बात की, क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द। सर, आम आदमी पार्टी बंद का समर्थन भी किया है? आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें क्या भी ये कहा गया कि धूप बहुत हो रही है, सब भी नहीं आएगा। ये 4 मंडियों को बदला गया है जहां उनको कानून जो लागू किए गए हैं, वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत। अरविंद, जो 9 स्टेडियम की आपने बात की, 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की, उसका आपको क्या रहा कि कितना प्रेशर कुछ डाला आपने? बहुत प्रेशर उस टाइम आया था, कई लोगों के फोन आए थे कि इसको कर दीजिए, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग ये थी केंद्र सरकार की उस टाइम, इनको अंदर आके और उनको स्टेडियम में सबको डाल दिया जाएगा और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी होती कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होती है। और